चेंज इन रेजिस्टेंस आरटी माइनस आर जीरो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सेकंड में बोल सकते हैं कि द चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर मीन डेल्टा टी। जैसे ही आपने टेम्परेचर को चेंज करा देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज। दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम वन एंड टू दोनों को कंबाइन करेंगे आर टी माइनस आर जीरो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिमूव करने के लिए हमने यूज कर दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का, आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू अल्फा आर जीरो इंटू डेल्टा टी। इसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। आर जीरो उधर ले जाएंगे, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो प्लस अल्फा आर जीरो इंटू डेल्टा टी। आर जीरो कॉमन ले लेंगे, आर जीरो कॉमन आ जाएगा यहां से, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर यहीं से आपने अल्फा का वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू आर जीरो फर्स्ट दिस इक्वेशन, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो, आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। दिस इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो याद रखेंगे यहां से जो ये बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। अब पहले हमने क्या रीड करा कि टेम्परेचर का मेटल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, तो याद रखेंगे टेम्परेचर का मेटल के ऊपर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर आप ये मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कैन बी इंक्रीज, और सेमीकंडक्टर के लिए ये अपोजिट हो जाता है, मेटल्स और सेमीकंडक्टर के लिए क्या करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज करेगा। और थर्ड आप बोल सकते हैं एलॉयज, थर्ड बोलेंगे एलॉय, जो एलॉय है कॉन्स्टेनियन मैग्नीनियन एलॉय के लिए टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो एलॉय वाले केस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो तीन फैक्टर आगे आपको बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन द टेम्परेचर या एक्सप्लेन द टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर मेटल्स नॉन मेटल्स एंड एलॉय। तो मेटल्स के लिए क्या बोलेंगे, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कैन बी इंक्रीज। सेमीकंडक्टर के लिए क्या बोलेंगे, इफ बी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कैन बी डिक्रीज्ड। एलॉय के लिए क्या बोलेंगे, एलॉय कौन कौन से हो गए, कॉन्स्टेनियन मैग्नीनियन, कुछ ऐसे एलॉयज हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये तीन फैक्टर है आपके पास। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि व्हाई मैग्नीनियम कॉन्स्टेनियन एंड यूरेका आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। जो मैं यहां पे बात कर रहा हूं इन एलॉय की, तो ये जो एलॉय है इनको हम क्यों यूज करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो आपने याद रखना है कि जो ये एलॉय है यूरेका मैग्नीनियम कॉन्स्टेनियन रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इनका स्मॉल होता है, हेंस द लार्ज इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज एंड हेंस दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। सो
क्या बता रहा हूं, मैंने तीन ग्राफ बताए आपको मेटल्स के लिए टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर इसके लिए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड फॉर एलॉय इट डज नॉट चेंज। और अगर आप इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वाले में भी सेम केस रहेगा। अब यहां पे बात कर रहा हूं कि वाई मैग्नीनियन कॉन्स्टेनियन, क्वेश्चन है आपके पास वाई मैग्नीनियन कॉन्स्टेनियन एंड यूरेका आर used to make a standard resistance. Magnesium, constanium and ureca are used for making standard resistance of the coil. अब इनका use क्यों करते हैं? तो आपने याद रखना है कि इनकी जो resistivity है वो क्या है, high. इन तीनों की रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, हाई। और जो टेम्परेचर कॉफिशियंट अल्फा वो क्या है, स्मॉल। रेजिस्टिविटी हाई है, टेम्परेचर कॉफिशियंट क्या है, स्मॉल। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट्स रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज। मीन रेजिस्टिविटी हाई है और टेम्परेचर कॉफिशियंट बहुत ज्यादा मिनिमम है, बहुत कम है, जिसके कारण इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब आप याद रख सकते हैं कि कॉन्स्टेनियन जो आपका एलॉय है इसमें कॉपर जो है 60% है, कॉपर 60% प्लस निकल जो है इसमें 40% पाया जाता है। 60% कॉपर होगा और निकल जो है 40%, और मैग्नीनियम में कॉपर जो है वो 84% कॉपर जो है वो कितना पाया जाएगा, 84%। और इसमें और कौन कौन से मेटल, एक मैग्नीज और निकल, मैग्नीज 12% निकल 4%। So you can remember, if we increase the temperature for an alloy, then its resistance does not change. क्यों नहीं होगा? Because its resistivity is very very high and temperature coefficient is very very small. So after that, हमने एक term define करनी है कि thermistor किसको बोलते हैं? Thermistor. It is the temperature or heat sensitive device made up of alloy. तो ये ग्राफ भी आपने याद रखने हैं और इसके बाद आप डिफाइन करेंगे कि थर्मिस्टर किसको बोलते हैं। सो थर्मिस्टर मीन थर्मल प्लस रेजिस्टेंस, थर्मल मीन हीट प्लस रेजिस्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज द टेम्परेचर और हीट सेंसिटिव डिवाइस मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल हूज रेजिस्टेंस वेरीज एप्लीकेबली विद चेंज इन टेम्परेचर या वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी वेरी वेरी स्मॉल। याद रखेंगे क्या बोलेंगे कि इट इज ए टेम्परेचर और हीट सेंसिटिव डिवाइस, हीट
sensitive device made up of semiconductor, किसका बना हुआ है? Semiconductor and material whose resistivity varies with change in temperature, जिसकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है उसको क्या बोल देते हैं? हम थर्मिस्टर बोल देते हैं। तो याद रखेंगे कि अल्फा की वैल्यू जो है थर्मिस्टर के लिए वो बहुत ज्यादा होती है, अल्फा वेरी हाई, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है थर्मिस्टर के लिए वो क्या होगी? बहुत ज्यादा हाई होगी। या तो वो पॉजिटिव में भी हो सकती है या वो नेगेटिव में भी हो सकती है। याद रखिए किसमें आ सकती है? पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है। इसके बाद हम रीड करेंगे कलर कोड और यहां से आपको एक न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि आगे जो हम टॉपिक करेंगे उसके ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल जो है वो भी आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक का नाम है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। तो यहां से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना पड़ेगा एक रिलेशन बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं हम जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट लिखेंगे 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5 6 7 8 9। तो इसमें क्या होगा कि आपको कुछ कलर दिए होंगे। यहां पे बी का मतलब है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो फिफ्थ नंबर के ऊपर आप ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट, ये कलर के नाम है आपको। बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब इसमें जो ये फर्स्ट लाइन जो लिख रहा हूं इसको बोल दिया आपने नंबर्स, इसको बोल दिया मैंने मल्टीप्लायर और एक नाम दूंगा मैं टॉलरेंस। इसमें फोर कलर गिवन होंगे। अगर आपके पास कलर जो है सिल्वर आता है, सिल्वर गोल्ड नो कलर, ये तीन कलर और होंगे टॉलरेंस में। अगर गोल्ड आता है सिल्वर आता है तो +-10% लिखेंगे, अगर गोल्ड आता है तो +-5% लिखेंगे, अगर नो कलर आता है तो +-20% लिखेंगे। टॉलरेंस में तीन कलर आ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपको कोई
रेजिस्टेंस, ये आपको रेजिस्टेंस गिवन है, इट्स योर रेजिस्टेंस, और इसमें फोर बैंड होंगे, इट्स योर फोर बैंड ए बी सी एंड डी। तो याद रखना है ए बी बैंड जो है, फर्स्ट टू बैंड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सी बैंड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर। और जो फोर्थ बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टॉलरेंस, टॉलरेंस। तो यहां से न्यूमेरिकल बनेगा आपको 1 or 2 मार्क्स का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये जो है यहां पे फर्स्ट कलर दिया हुआ है रेड, ये दिया हुआ है येलो, और ये दिया हुआ है वायलेट, और लास्ट दिया हुआ है गोल्ड। आपको बोला कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आपने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखेंगे फर्स्ट कलर जो है रेड, रेड कौन सा नंबर है, 2, R इज इक्वल टू 2। सेकेंड कलर है येलो, येलो कौन सा है, 4, यहां पे आ गया 4। फर्स्ट टू कलर रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट फिगर, आगे मल्टीप्लायर बाय। थर्ड कलर है वायलेट, तो वायलेट के लिए डेसिमल मल्टीप्लायर कितना है, 10 रेज टू पावर 7 प्लस माइनस। लास्ट कलर है गोल्ड, गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना है, 5%। तो ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बन गया, ओम। तो ये इसका रेजिस्टेंस। बी बी वाइफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब ध्यान से देखेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल लेते हैं यहां से। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे इसका नंबर 4 आपको रिजल्ट दिया है, R इज इक्वल टू 45 इंटू 10 रेस टू पावर 2 प्लस माइनस 10, ये दिया हुआ। आपको बोला है कि इनके कलर का नाम बताना है आपने, तो 4 नंबर के ऊपर फर्स्ट कौन सा है, येलो, येलो। 5 के ऊपर कौन सा है, ग्रीन। 10 रेस टू पावर 2 में कौन सा है, रेड। और 10% की टॉलरेंस कौन शो करता है, सिल्वर। इज इट क्लियर, योगी आपकी सेकेंड टाइप। एक थर्ड टाइप बता रहा हूं कि अगर आपको करंट गिवन है, करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपको पूछा है, और कलर कोड गिवन है, येलो ब्लू ब्राउन एंड या 3 ही दिए, 3 कलर दिए, फोर्थ दिए ही नहीं। तो यहां पे R इज इक्वल टू बिट, पहले आर निकाल लो, आर येलो, येलो के ऊपर 4, ब्लू ब्लू 6, आगे ब्राउन, ब्राउन के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, मीन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 460 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 460 ओम। अब यहां से B इज इक्वल टू आई आर, जैसे मैंने बोला I गिवन था, कितना था, 10 एम्पियर। आपको B पूछा है कि आपने B निकालना है, देन B इज इक्वल टू I इंटू आर, B I का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 460, इट मींस B इज इक्वल टू 4600 वोल्ट, या क्या बोल सकते 46 into 10 raised to power 2 volt।
तो आपने इसके न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। जब आप ये न्यूमेरिकल ट्राई करोगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन या फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कुछ टॉपिक और है इसके रिगार्डिंग। सो थैंक यू।